हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको बताने वाले हैं विलोपन विधि से रैखिक समीकरण का हल कैसे करें। तो इस वीडियो में आपको विलोपन विधि से रैखिक समीकरण का हल करना आप इस वीडियो में सीख लेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। विलोपन विधि से आपको सवाल क्लास 10 में बहुत देखने को मिलेगा। ये आपको क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम में आपका 4 अंक का पूछा जाता है। एक क्लास 10 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ऐसे ही आपको 2 समीकरण दिया रहता है। तो चलिए हमारा देखते हैं सवाल। तो हमारा पहला समीकरण क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14, ये हमारा पहला समीकरण है। और हमारा दूसरा समीकरण क्या है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। ये हमारे 2 समीकरण दिया है, इसको हमको हल करके एक्स और वाई का मान निकालना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, समीकरण जो दिया है इसको हम लिख लेते हैं। तो देखिए हमारा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14 ये हमारा पहला समीकरण है, तो इसको हम लिख देंगे समीकरण 1। और ये हमारा दूसरा समीकरण है, तो इसको हम लिख देंगे समीकरण 2। तो ये हमारे समीकरण 1 है, समीकरण 2। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अब इसके नीचे हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो यहाँ पर समीकरण 1 2 क्या है हमारा, यही है। तो इसको हम यहाँ पर अब उतार लेंगे। तो हमारा क्या है, यहाँ पर पहला समीकरण क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14। और दूसरा समीकरण क्या है हमारा, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। ये हमारा समीकरण है। तो हमें विलोपन विधि में x और y का मान, x या फिर y का मान किसी एक का मान बराबर करना होता है। तो देखिए हमारा यहाँ पर प्लस वाई है और यहाँ पर y है। देखिए y y बराबर है हमारा, तो इसे हम काट सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर बराबर है, तो इसलिए हम बराबर, हमें किसी का गुणा नहीं करना होगा। तो यहाँ पर हम इसको आसानी से ऐसे काट देंगे, क्योंकि यह प्लस वाई है और यह माइनस वाई है। इसको हम कट जाएगा, प्लस वाई माइनस वाई क्या होता है, यहाँ पर देखिए प्लस वाई और माइनस वाई हमारा क्या हो जाएगा, कुछ नहीं 0 आ जाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ इसको हम काट सकते हैं, काट दिए। अब हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स हमारा क्या होता है 2x। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 2x, देखिए प्लस का चिन्ह है, तो प्लस हो जाएगा 2x इक्वल टू यहाँ पर 14 और प्लस 4। 14 और 4 कितना होता है हमारा, 18 होता है। यहाँ पर हो जाएगा हमारा 18 हो गया, क्योंकि 14 में 4 जोड़ेंगे तो आप 18 ही होगा। अब यहाँ पर देखिए हमें एक्स का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एक्स का मान हमें निकालना है, तो एक्स को एक तरफ करेंगे और यहाँ पर 18 है, 18 ही जाएगा, इसके बट्टे में आ जाएगा 2 आ गया इसके बट्टे में। इसको काट देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, कितनी बार जाएगा 9 बार। तो एक्स का मान हमारा क्या आ गया, एक्स का मान आ गया हमारा 9, यही आ गया हमारा मान, एक्स का मान 9। तो अभी एक्स का मान 9 आ गया, अभी एक्स का मान हम 9 इसको समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण हमारा क्या है, यही है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14। तो हमारा वाई का मान भी आसानी से निकल जाएगा। तो चलिए रखते हैं, जिस प्रकार हम आपको बता रहे हैं टाइप बाई टाइप, उसी प्रकार आप बोर्ड एग्जाम में लिखिएगा, जिससे आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम इसका एक्स का मान समीकरण 1 में रखते हैं। तो सभी यहाँ पर लिख देंगे एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पर जो आपका एक्स का मान है उसको आप समीकरण 1 में भी रख कर आप आंसर पा सकते हैं वाई का, और समीकरण 2 में रखेंगे तो भी आपका वाई का मान आ जाएगा। आप यहाँ पर समीकरण 1 और 2 समीकरण दोनों में रख सकते हैं, या जिसमें रखें, इससे रिलेटेड आपका 10 में एक क्वेश्चन पक्का आएगा, जो 4 नंबर या 5 नंबर का हो सकता है, लेकिन इससे हमेशा रिलेटेड पूछा जाता है। तो यहाँ पर चलिए इसका मान हम समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 हमारा क्या है, उससे सबसे पहले हम लिख लेते हैं समीकरण 1। समीकरण 1 हमारा क्या है, यही है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं समीकरण 1 को। तो समीकरण 1 को हम लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या है हमारा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14, यही है हमारा समीकरण 1। तो हमारा एक्स का मान कितना आया है, एक्स का मान हमारा क्या आया, यही अभी हम निकालेंगे, एक्स का मान हमारा क्या है 9। तो 9 यहाँ पर एक्स की जगह रख देंगे तो हमारा वाई का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर 9 हो जाएगा हमारा, प्लस वाई इक्वल टू 14। वाई का हमें मान निकालना है, अब यहाँ पर वाई बराबर क्या हो जाएगा 14। इधर देखिए हमारा प्लस का 9 है, तो इधर आके क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 9 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए वाई का मान हमारा क्या आएगा, 14 में से 9 हो जाएगा हमारा क्या बचेगा, 14 से 9 हो जाएगा हमारा क्या बचेगा, 5 बचेगा 5। तो यहाँ पर हो जाएगा 5। तो वाई का मान हमारा क्या आ गया 5, एक्स का मान आ गया हमारा 9 और वाई का मान आ गया 5, यही हमारा 2 मान आया है। अब इसको आपको और आपको चेक करना है कि हमारा आंसर सही है कि नहीं, तो आप एक्स और वाई का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर हम चेक करते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। तो यहाँ पर समीकरण 1 हम ले लेते हैं, समीकरण 1 क्या है हमारा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14। तो एक्स का मान हमारा क्या है 9 और वाई का मान क्या आ गया है हमारा, आया है 5, यही आया है वाई का मान 5 हो गया इक्वल टू 14। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा 14 बराबर 14, LHS हमारा जो है RHS के बराबर है।
तो इससे पता चलता है कि हमारा एक्स और वाई का मान बिल्कुल सही है। अगर दोनों बराबर नहीं आता तो आपका मान वाई का गलत हो जाता, लेकिन दोनों हमारा बराबर आया है तो एक हमारा वाई का मान सही है। देखिए हमारे LHS बराबर RHS आ गया। इस प्रकार आप चेक भी कर सकते हैं, इसमें भी रखेंगे तो आपका आगे, चलिए सभी का टू में भी रखते हैं एक्स और वाई का मान, यहाँ पर सभी का टू भी ले लेते हैं, उसमें रख कर चेक कर सकते हैं। समीकरण टू से सभी का टू हमारा क्या है, एक्स माइनस वाई इजकल टू फोर, तो एक्स हमारा मान क्या है 9 और वाई का मान आया 5 इजकल टू 4, तो 9 में से 5 जाएगा तो हमारा क्या बचेगा 4 आएगा, 4 इजकल टू 4। तो देखिए हमारा LHS बराबर RHS, इधर का भी बराबर है हमारा, उधर का भी बराबर है, तो ये देखिए हमारा सही है, हमारे एक्स का और वाई का मान बिल्कुल सही है। और ये दोनों आपका बराबर नहीं आता तो आपका आंसर गलत हो जाता। देखिए हमारे एक्स का मान कितना है 9 और वाई का मान आया है 5। तो इस तरह आप विलोपन विधि से सबसे आसान तरीके से आप यहाँ पर हमने समझाया है, आपको समझ में आ गया होगा। देख लीजिए पूरा सवाल फिर से। पहला समीकरण हमारा यहाँ पर है 2x + 3y = 7, यही हमारा पहला समीकरण। और दूसरा समीकरण हमारा है 3x - y = 5, ये हमारा दूसरा समीकरण। तो सबसे पहले हम इस समीकरण का नाम दे देते हैं, उसको हम समीकरण 1 का ले लेते हैं, उसको समीकरण 2 रख देते हैं नाम इसका। समीकरण 1 हमारा है समीकरण 2, यहाँ से हमें एक्स और वाई का मान निकालना होता है। आप किसी भी समीकरण से एक्स और वाई का मान निकाल सकते हैं, और जिससे आपको सॉल्व पड़े वही आप लीजिए इसमें से, वही इसी का एक्स और वाई से मान निकालें। देखिए हम कर रहे हैं यहाँ पर समीकरण 2 लेंगे 3x - y = 4, तो वहाँ पर वाई का मान हमें निकालने में आसानी होगा, या तो हम समीकरण 1 भी ले सकते हैं। चलिए यहाँ पर समीकरण 1 ले लेते हैं। समीकरण 1 क्या है हमारा, तो यहाँ पर लेते हैं हम समीकरण 1 से, हमें एक्स और वाई का मान निकालना होता है समीकरण 1 से। समीकरण क्या है हमारा, उसको लिख लेते हैं सबसे पहले। हमारा क्या है समीकरण 1, 2x + 3y = 7। तो यहाँ से हम चलिए x का मान निकालते हैं हम यहाँ पर, और क्या हो जाएगा हमारा 2x = 7। यहाँ पर देखिए हमारा प्लस का 3y इधर जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 3y, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 3y। और यहाँ से x का मान निकालेंगे तो हमारा क्या जाएगा 7 - 3y बट्टे में जाएगा, क्योंकि जो गुड़े में रहता है वो बट्टे में जाता है, यहाँ पर 2 हो जाएगा, ये हमारा एक्स का मान आ गया। इसको हम समीकरण 3 नाम देते हैं, क्योंकि इसका अभी हमको आगे ज़रूरत होगी इसकी हमको। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा एक्स बराबर क्या आ गया 7 - 3y / 2, यही हमारा एक्स का मान है, इसको समीकरण 3 हमने नाम दे दिया। अब यहाँ पर लिखेंगे क्या, समीकरण 3 में से एक्स का मान समीकरण 2 में रख देंगे, क्योंकि समीकरण 1 से हमने निकालना है या एक्स का मान, तो समीकरण 1 में नहीं रखेंगे और समीकरण 2 में हम इसको रखेंगे। यहाँ पर लिख लेते हैं, चलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, समीकरण 3 से एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर यही है हमारा। तो यहाँ पर एक्स का मान हमारा क्या है, एक्स बराबर 7 - 3y / 2, तो समीकरण 1 2 में हमें रखना है, 2 हमारे समीकरण 3x - y = 5। यहाँ पर इसको हम सबसे पहले समीकरण लिख देते हैं, 3x - y = 5 है हमारा, तो हमें क्या रखना है, एक्स की जगह में क्या लिखना है 7 - 3y / 2, तो हमें लिख लेते हैं 3 हो गया, एक्स की जगह में क्या लिखना है 7 - 3y / 2, और माइनस का वाई है, वाई ऐसे रहेगा और यहाँ पर 5 जाएगा। अब यहाँ पर इसका हम अंदर गुणा कर देते हैं, तो 3 का गुणा 7 करेंगे क्या आ जाएगा हमारा, 7 * 3 = 21 हो जाएगा, -3 का गुणा 3 करेंगे क्या हो जाएगा 9, तो 9y हो जाएगा, बट 2 है, 2 ऐसे ही रहेगा, माइनस का वाई हो जाएगा यहाँ पर और बराबर 5, यही है हमारा। अब यहाँ पर इसका हम LCM ले लेते हैं, नीचे कुछ नहीं तो LCM वही हो जाएगा 2 इसका हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा हमारा, और इसका अगर गुणा करेंगे तो वही जाएगा पूरा, क्योंकि दोनों इसका हर समान है 9y। यहाँ पर 1 का गुणा अगर माइनस का चिन्ह माइनस लगाएंगे, 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 बार जाएगा, तो 2 का गुणा अगर 2 में वाई में करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2y और इक्वल टू 5 हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 21 - 9y - 2y = 2, इसमें इसका गुणा हो जाएगा 5, दोनों 10 हो जाएगा हमारा। यहाँ पर देखिए हमारा क्या हो जाएगा 21 माइनस, यहाँ पर हमारा क्या है 9y, और यहाँ पर माइनस का 9y और माइनस का 2y है, तो इस जोड़ जाएगा क्योंकि माइनस माइनस जुड़ता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 11y = 10। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 11y = 10, इधर प्लस का 21 है, तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 21 हमारा, तो यहाँ पर ये हो गया। अब इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 11, इधर हमारा है माइनस का 11y, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 11y = -11, माइनस से माइनस कट गया, 11 से 11 कट गया, तो हमारा वाई का मान क्या आ गया 1 आ गया।
वाई का मान वन आ गया तो इसको हम समीकरण 3 में रख देंगे तो हमारा एक्स का मान भी आ जाएगा। समीकरण 3 मारते हैं एक्स बराबर सीवन माइनस थ्री अपन में टू, तो यहीं पर हम रख देंगे तो हमारा एक्स का मान भी आ जाएगा। यहाँ पर लिखते हैं यही, यहाँ पर करते हैं समीकरण, यहाँ पर लिखते हैं वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर समीकरण 3 हमारा क्या है एक्स बराबर सीवन माइनस थ्री अपन में टू, यही समीकरण 3 हमारा। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं एक्स बराबर सीवन माइनस का 3 वाई बटने में टू, यही हमारा एक्स है। तो हमें वाई का मान क्या रखना है, यहाँ पर देखिए वाई का मान हमने क्या निकाला, एक निकाला, तो हमें वाई का मान एक रखना है। तो यहाँ पर वाई का मान हम एक रख देते हैं, फिर क्या है 7 - 3 का हो जाएगा, और एक में कूड़ा करेंगे तो वही रहेगा 3 * 1 हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो फिर क्या जाएगा हमारा 7 - 3 / 2, तो 7 में से 3 जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ पर 7 में से 3 जाएगा तो हमारा 4 बच जाएगा। तो यहाँ पर जाएगा 4 / 2, तो एक्स का मान हमारा क्या जाएगा, एक्स का मान आ जाएगा हमारा, इसको काट देंगे तो क्या जाएगा 2 आ जाएगा हमारा एक्स का मान, एक्स का मान 2। यहाँ पर देखिए हमारा वाई का मान 1 आ गया और एक्स का मान 2। तो यहाँ पर आपको चेक करना होगा तो यहाँ पर रख कर आप चेक कर सकते हैं दोनों बगल सेम। एक देखिए हमारे वाई का मान क्या है, एक्स का मान क्या था 2, तो 3 * 2 = 6 हो जाएगा, और माइनस वाई का मान 1 आया था तो 6 में से 1 जाएगा क्या हो जाएगा हमारा 5। तो दोनों तरफ बराबर, तो इससे पता चलेगा कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। यदि दोनों बगल आपका बराबर नहीं आता तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। देखिए हमारे दोनों बगल बराबर है, इससे आप चेक भी कर सकते हैं कि हमारा सही है कि नहीं।